हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, JSSC ने रिजल्ट जारी किया है। चलिए देखते हैं हम लोग किस सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया, ठीक है। और जैसे और दोस्तों, हम लोग बात करेंगे लास्ट में कि JSSC CGL एग्जाम का कितना परसेंट चांस है अक्टूबर में, और हेमंत सोरेन ने क्या बोला है नियोजन 3740 को लेकर, ठीक है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, छोटा वीडियो रहने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार विजिट किएंगे तो JSSC CGL का स्टूडेंट होंगे तो बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं, डेली 2 से 3 वीडियो आ रहा है CGL के नाम से, जरूर देखिएगा, ठीक है। JEE और CGL के अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। चलिए, 30 तारीख का डेट है आज, हुल दिवस आज के दिन। और आप लोग देख सकते हैं वाणिज्य विषय का रिजल्ट जारी हो चुका है, रोल नंबर दिया है, अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट दे चुका है। कॉमर्स का है, डिस्ट्रिक्ट भी दिया हुआ, अपना रोल नंबर मिलाइए और डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कि कहाँ कहाँ सलेक्शन हुआ है आपका, ठीक है। चलिए, बाकी इसको हम डाल देंगे आपको टेलीग्राम में। टेलीग्राम JSSC वाला पे जुड़ पर रहिएगा, कोई भी अपडेट वहाँ पर देते रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी आता है, ठीक है। देखिए, लातेहार, गोड्डा, BC1 सारा करके दिया हुआ है, इतने सारा स्टूडेंट का रिजल्ट दिया हुआ, ठीक है। वाणिज्य विषय के प्रकाशित परीक्षा फल अंतिम फाइनल नहीं है। अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत कोटिवार चयनित विद्यार्थी को न्यूनतम अंक कटा प्रकाशित की जाएगी। अच्छा, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसके पर कटा भी निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार। और दोस्तों, हेमंत सोरेन के आप लोग बयान सुने होंगे आप लोग शायद, कि आपका जो एग्ज़ाम है, जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है, हम तो CGL की बात करेंगे क्योंकि CGL पे एक्टिव जाते रहते हैं इसमें हम, ठीक है। 99% चांस है एग्ज़ाम अक्टूबर में होने का है, सितंबर में मान के चलिए, उसे क्या पता सितंबर ले ले, लेकिन ज़्यादा सितंबर में मुझे तो नहीं लग रहा कि होने का चांसेस कुछ भी है, क्योंकि तो इतना फास्ट तो नहीं है, कर सकता है फॉर्म भराएगा। और हो सके कुछ डेट अभी 19 तारीख तक फॉर्म भराने हैं, ठीक है, 19 जुलाई तक, हो सके एक सप्ताह और एक्सटेंड करेगा, क्योंकि पेमेंट अगर हम दिक्कत हो रहा है तो उसमें थोड़ा हो सकता है एक सप्ताह, हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, बढ़ा सकता है। तो पूरा जुलाई मान ली खत्म, जुलाई लास्ट तक फॉर्म भराएगा पूरा जुलाई, फिर अगस्त सेप्टेम्बर, फिर अपने एक महीना सेंटर वगैरह बुक करेगा, फिर 15 अक्टूबर तक मान के सकते, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, आफ्टर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 99% चांस है कि 15 तारीख या दूसरे सप्ताह के बाद, तीसरे सप्ताह में आपका एग्जाम होने का चांसेस है। और इसी नियोजन नीति पर एग्जाम होने वाला, इसमें आपको कोई टलने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ भी कोई कर लीजिए। और हेमंत सोरेन जब खुद जब बोल रहे हैं, आप लोग देखेंगे उनका विधानसभा स्पीकर कि कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कि 60-40 से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे दिमाग में कि 60 झारखंडियों के है, 40 बाहरी का है, उन्होंने बताया ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों से तो समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं समझ रहे कि 60 झारखंडियों का सिर्फ है और 40 सिर्फ बाहरी का, इसमें भी झारखंडी लोग घुसेंगे, बस फेयर तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। लड़कों की डिमांड यही है, फेयर तरीके से एग्ज़ाम चलाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और अच्छी बात है, अभी बिहार में भी इस नीति को लागू कर दिया है, तब ज़्यादा फिर हो हंगामा भी नहीं कर रहा, सब चुपचाप हो गया अब कि वहाँ पर भी लागू हो गया, क्योंकि बहुत सारे छात्र नेत्र लोग लेके जाते थे, देखिए वहाँ बिहार में लॉक कर दिया गया, तो उसको भी ओपन कर दिया गया। टीचर लोग का अच्छा मौका है, झारखंड से रिलेटेड आप हैं और टीचर वगैरह का तैयारी वगैरह कर रहे हैं, अच्छा मौका है, बिहार में भरिएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीट अच्छा खासा है, ठीक है। आप लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तैयारी बढ़िया से जनरल या फिर OBC ST SC या फिर EB BC1 कुछ भी हो, तैयारी बढ़िया तो सलेक्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए, तो आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों, और रेगुलर बेसिस पे कीजिए, छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि 2 दिन पढ़े फिर एक दिन गायब हो गए, ऐसा नहीं, कुछ डेली 3 से 4 घंटा डेली पढ़िए, ठीक है। जैसे वो फॉर्म भरने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, उसके बाद अवतार बढ़ा देना आपको, और रेगुलर बेसिस पे आपको दे रहे हैं चीज़ें वहाँ पर, ठीक है। और पेड बैच में भी तो लास्ट तो आज ही तक था, ठीक है, जिसको लेना होगा ले लेंगे आज तक, अभी बचा हुआ टाइम, उसके बाद कल से नो एंट्री हो जाएगा, ठीक है। पेड बैच आपको 8968765101 से इसमें जुड़ना होता है, जो कि Paper 3 का बेहतरीन तरीके से चल रहा है वहाँ पर, ठीक है, PDF के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से, जो रेगुलर बेसिस पे उसको अटेंड करेगा, सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला वहाँ से, बाकी अपने मेहनत कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं उसी पर भरोसा रहना, ठीक है। चलिए, तो रिजल्ट देख लिया आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई जिनका हुआ है, और ऐसे ही बधाई देंगे CGL वालों के लिए जिस रिजल्ट आएगा इस तरह करके, ठीक है। CGL का रिजल्ट तो भरा पड़ा रहेगा इस तरह का पूरा, ठीक है, उस दिन मज़ा आएगा रिजल्ट देखने में आपका, ठीक है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट आप लोग का हो जाए, और 2023 में घर वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, ठीक है। SO अफसर बन के जाइए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लोग सैल्यूट करेंगे दूर से आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ के रहिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।